नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर स्टेशन सफाईकर्मी वेतन न मिलने से खासा परेशान है। सभी का आरोप है कि ठेकेदार उन्हें वेतन नहीं दे रहा है। इसी क्रम में सभी स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के सामने बैठ कर धरना करने को मजबूर हो गए। सुल्तानपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जिले में नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी प्रधानों से टीकाकरण अभियान में सहयोग मांगते हुए लोगों को जागरूक करने की बात कही। अमेठी में प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने अपने एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिले में विकास कार्यक्रमों और कोविड-19 टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने विकास खंड भादर और भेटुआ में संचालित विकास कार्यक्रमों एवं कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। अमेठी में थाना जगदीशपुर क्षेत्र के चहेती नगर के पास ठेकेदार धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटाई करते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। अमेठी में जिलाधिकारी अरुण कुमार और SP दिनेश सिंह ने जिला जज रायबरेली के साथ जिला कारागार रायबरेली पहुंचकर निरीक्षण किया। मौके पर अधिकारियों ने बैरकों में कैदियों के सामानों और बिस्तरों की सघन चेकिंग की। अमेठी में जिला मुख्यालय समाजवादी कार्यालय पर पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर सभी ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा की। बहराइच में DM ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हुए कर्मियों के परिजनों को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। उन्होंने ये शासन के निर्देश पर ही दिया है। बहराइच में ब्लॉक चित्तौरा ग्राम पंचायत रायपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 45 साल से ऊपर लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक ग्राम पंचायत रायपुर में 60 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बहराइच में ग्राम पंचायत भोपतपुर में रसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आगा खान फाउंडेशन की तरफ से कोविड-19 टीकाकरण का कैंप लगाया गया। मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने टीका काटकर कैंप का शुभारंभ किया। बलरामपुर में भाजपा की तरफ से देवीपाटन मंडल के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरती तिवारी का नाम बतौर प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया। गौरतलब है कि इस मौके पर वहां कई लोग मौजूद रहे। वाराणसी में लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर धांधली कर छात्रों को मानसिक और आर्थिक तरह से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। छात्र नेता के साथ ही अन्य छात्र भी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए हैं और कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। लखीमपुर खीरी में ग्राम पंचायत पनगी कला विकास खंड नकहा में कोटेदार राम नरेश पर गल्ला बांटने में धांधली करने का आरोप लगा है। वहीं मौके पर प्रधान नूर मोहम्मद ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जांच की तो गड़बड़ी मिली, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों से कोटेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। औरैया में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के अग्रिम रूट सुरक्षा व्यवस्था के तहत आला अधिकारियों ने दिव्यापुर थाना क्षेत्र के पपूंद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां तैनात सिपाहियों को कुछ जरूरी बातें भी बताई गई। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।